सरसब्ज और शादाब वादियां, बुलंद वाला पहाड़, घने जंगलात और बहते दरिया। कश्मीर का कोना कोना खूबसूरती की मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कुलगाम की बात करें, कुलगाम भी खूबसूरती में किसी इलाके से कम नहीं। नूराबाद के इलाके मंझगाम से हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया। जाना है हमें छिरसर, जो एक साइड से करीब 18 किलोमीटर है। आज मुसाफरान शौक को फिर कश्मीर के अतराफ अकनाफ से उठाकर खूबसूरत नदियों की सरजमीन कुलगाम में ले आया। छिरसर की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें एक और मैदान से गुजरना पड़ा। फिर अचानक हमने एक आदमी को अपनी तरफ बढ़ते देखा। उस हंसते मुस्कुराते शख्स ने हमें खुश आमदीद कहा और झील की तरफ जाने वाला रास्ता बताया। हमारा तो 1 घंटा हो गया। ना ना, मेरा 20 मिनट है, आपका 1 घंटा है। जाना किधर? मेरा दिन का सफर है, आपका 3 दिन का सफर। हाँ हाँ, वो तो है। अभी यहाँ से जो छेड़छाड़ है, यो नहीं, वो बर्फ पड़ता है, वो बर्फ नहीं है, जो डालती है, जो है छेड़छाड़ इधर, जो चौपान चौपान है ना, सब कुलगाम का चौपान है इधर। मतलब पार्टी वाली साइड, उस साइड? ना ना, इसी साइड में, इसी साइड, लेफ्ट साइड, ये बाई में नहीं है। आज बंद कर अब तक 16 किलोमीटर चलने के बाद की हालत, पैर दुख रहे हैं, मेरे हाथ सुन हो गए, मौसम भी ख़राब होने लग गया, बारिश होनी शुरू हो गई। 45 पार्टिसिपेंट्स की 2 टीम आगे जा चुकी है, हम 4 बंदे पीछे हैं। एक भाई का क्रैम्प्स की वजह से उनके साथ पीछे रह गए हम, तो जो बाकी बंदे हैं वो लेक पे पहुंच गए होंगे करीब 1 या 1.5 घंटे पहले। शायद हमें भी 20-25 मिनट लगेंगे यहाँ से। पहाड़ों के अंदर दूर कहीं सदियों से छुपी यह झील फितरत के अनमोल मोतियों में से एक है। इस झील को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे झील किसी चाहने वाले का मुंतजर बैठा है। हम किनारे बैठकर झील के तिलस्माती हुस्न में डूबते चले गए।